हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग ब्लॉग इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। आज एकदम मिरर व्यू लेके ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज है हमारी छोटी होली। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ये ब्लॉग पता नहीं कब देखेंगे, आई डोंट नो, बट आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू यू गाइस। और ख्याल रखें अपना, अपनी अपनी जगहों पर खुश रहें सभी लोग। और फिलहाल अभी बज रहे हैं, ओ शिट, यहाँ से तो घड़ी उतार दी गाइस, जहाँ से घड़ी चली गई। मैं आपको टाइम बाहर से देख के बताऊंगा। टाइम हो रहा है ओके, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज गए हैं एंड आई एम स्टार्टिंग व्लॉग अभी। बट मैं उठा हुआ हूँ काफ़ी देर से, 8 बजे से उठा हुआ हूँ आज मैं। और उठ के ऐसी तैयारी शैयारी हो रही है, मम्मी का व्रत है क्योंकि छोटी होली में मम्मी का व्रत होता है, होली पूजन से पहले मम्मी कुछ नहीं खाते हैं, तो अभी व्रत है इन लोग का। और मम्मी दिखाता हूँ मैं आपको सीक्रेटली क्या करती हैं। काम चल रहा है गाइस, और काम करते करते नानी से बातें, और इधर मम्मी माजी इधर बातें कर रही है गाइस। सब लोग अपनी वार्तालापों में बिजी हैं, काम धाम कर रहे हैं। एक बार सब फ्री हो जाते हैं देन मैं आप सबसे मिलवाता, आप सबको मिलवाता हूँ सभी से। देन अभी फिलहाल जाके मैं भी कुछ काम धाम कर लेता हूँ, बाद में ठीक कर लेता हूँ, देन आई विल कैच यू आफ्टर अ बिट। सो गाइस, आज आई हैव टोल्ड यू आज मम्मी का व्रत है और आज मम्मी पूजा करके आएगी। तो यही मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो बोलो। हेलो, देख पा रहो? अरे देखो मम्मी ने फुल मेकअप किया, एकदम स्मार्ट सुंदर लग रही है। सी आज मम्मी सुंदर लग रही है, वेरी ब्यूटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मम्मी इज लुकिंग सो सुंदर। हेलो मम्मी, मम्मी मेरे लिए खाना गरम कर दिए। मैं नाइन मीटिंग एक्चुअली आई एम मंचिंग, 2 बज गए ना, दिस इज द टाइम व्हेन यू मंच। और माजी लेटी हुई है ऐसे ही, अब माजी लेटेगी, आराम कर रही है। पढ़ रहा था आज, देखो देखो मेरी बुक रखी है, लैपटॉप रखा है, आज मैं पढ़ाई कर रहा था गाइस। अ वेरी बिग ट्रांजिशन इन माय लाइफ आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैं पढ़ाई करने में कोशिश कर रहा था। आप बंद क्यों कर रहे हो? मैं ईट कर रहा हूँ, ईट ईट ईट। गाइस फिलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं स्नान की दुकान पर मेरे लिए कड़ा पसंद करने। आई एम थिंकिंग टू बाय अ कड़ा फॉर मी, ये चांदी वाला हाथ में जो पहनते हैं वो, मेरी मम्मी। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं पसंद आता है तो लेके आऊँगा, नहीं पसंद आएगा तो फिर अपना डिज़ाइन देके आऊँगा, साइज देके आऊँगा, देखते हैं कब तक मिलेगा। फिलहाल चलते हैं, अगर मेरे को अलाउ हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या डिज़ाइन अवेलेबल है और कौन सा मैंने पसंद किया, आई विल शो यू दैट आल्सो। फिलहाल चलते हैं फटाफट से, देन आई विल कैच यू रास्ते में या फिर वहीं पे। सो गाइस, फिलहाल सुनार की दुकान से आने के बाद वहाँ पे मतलब एज एन शूट करना अलाउड नहीं था तो वहाँ शूट नहीं किया, बट वहाँ से वापस आने के बाद थक थका के सब आराम करने लग गए थे। अब आराम करने के बाद अभी 5 बजने में कुछ 15 मिनट बाकी हैं, लाइक 4:45 हो रहे हैं। एंड नाउ आई एम मेकिंग चाय फॉर मम्मी, यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रहा हूँ अभी, इसको रखूँगा गैस पे और फिर उबलेगी मम्मी की चाय, बनाऊँगा टेस्टी सी चाय मम्मी के लिए। एंड उसके बाद अभी मैं फिल्म देख रहा हूँ, एक ए वतन मेरे वतन करके है, सारा अली खान की रिसेंट रिलीज है, अमेजोन प्राइम पे हमें अवेलेबल है, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। इफ यू वांट टू सी जस्ट गो एंड चेक आउट ऑन अमेजोन प्राइम वीडियोस, बहुत अच्छी सीरीज नहीं है फिल्म है, यस बहुत अच्छी फिल्म है, गो एंड वॉच इट, आप लोग भी देखो। और अभी मैं वही देख रहा था, थोड़ी बहुत देख लिया, थोड़ी बहुत मेरी रह रही है, मैं आराम कर रहा था क्योंकि, तो अभी मैं वो कंप्लीट करूँगा मम्मी को चाय देके। अभी फिलहाल चाय बनाते हैं, देन आई विल कैच यू। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो इट्स लाइक होली का अगला वाला दिन, और कल कोई होली वोली नहीं खेली तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है अभी, आई एम नॉट वेल, दैट्स वाई मैं अपना व्लॉग भी बेड में से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल मेरे पैर में भी काफ़ी दर्द है, आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, लंगड़ू हो चुका हूँ मैं, एक टांग से लंगड़ा हो चुका हूँ। एंड सब चीज़ें ऐसे यहीं पे आसपास ही है मेरे पड़ी हुई हैं। अभी अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है, दूध पिया है मैंने सुबह उठ के, एंड बिस्किट लिया है, एंड हैज माई लैपटॉप, आई एम वॉचिंग सम नाइस स्टफ, और ऐसे ही अभी काम धाम चल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। फिर अभी थोड़ी देर बाद मेरे को पढ़ना है, पढ़ने के बाद मतलब है 3-4 काम मेरे लाइंड अप हैं, उन सबको वाइंड अप करते हैं जल्दी से जल्दी, देन देखते हैं आगे का क्या प्लान है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लेट मी जस्ट डू माई वर्क, let me just enjoy my laptop for a time, then I'll catch you thodi si der baad, abhi mujhe bahut tez neend bhi aa rahi hai।
तबीयत खराब हो जाए ना तो पूरे दिन नींद आती रहती है गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो चल तो पा रहा हूँ बट लंगड़ा लंगड़ा के बाहर चलता अच्छा नहीं लगूंगा। तो अभी मम्मी गई है बाहर मेरे लिए कुछ साउथ इंडियन लेने के लिए, मुझे साउथ इंडियन खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट में दूध वूध ही पिया था, उसके बाद अभी तक तो कुछ खाया नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ लंच, आज होगा साउथ इंडियन लंच हमारा। देखता हूँ मम्मी इडली लाएगी और डोसा लाएगी, क्या लाएगी। और यहाँ लैपटॉप में मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, मैं नाम बताता हूँ, द बोर्डिंग स्कूल, प्राइम वीडियोज पे, प्राइम ओरिजिनल्स की है ये, लास्ट कम्ब्रेस करके फ्रेंच है, बहुत अच्छी है यार, इट्स सो गुड। मेरा बहुत टाइम से कोई ऐसी सीरीज देखने का मन था, अभी अभी मैं देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक बार मम्मी आ जाती है फटाफट से मेरा खाना लेके, देन मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसा लगा मुझे वो, टेस्ट क्या है और कहाँ से लाई, सब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ और मम्मी आ जाए फिर मतलब आपसे दोबारा मिलता हूँ। सबसे बड़ी राज की बात मैं आपको बताऊँ, मतलब सबसे बड़ा राज है ये कि मैं दो दिन से नहीं नहाया, मैं दो दिन से नहीं नहाऊंगा गाइस। आज पर मैं जरूर जरूर नहाऊंगा, मेरे बाल भी बहुत बिजी हो जाए, मैं नहाऊंगा जरूर जरूर नहाऊंगा आज, क्योंकि मुझे एक दो वीडियो का काम भी है, तो पहले मैं नहाऊंगा फिर वीडियो का काम करूंगा, देखते हैं क्या होगा। एक बार मेरा खाना आ जाए, आई एम वेटिंग फॉर माई फूड। मैंने आपको बताया था आप लोगों के लिए तो सेकंड का टाइम है, मेरे लिए तो काफ़ी टाइम है, बट मेरा यहाँ पे साउथ इंडियन आ चुका है, ये रहा मेरी प्लेट का छोड़ी, और ये रहा मेरा जो मैं अभी पानी वानी पी रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। क्या है वैसे यार, दिस इज तो सांभर, आई थिंक इडली है, यस मम्मा टुक इडली फॉर मी गाइस, एंड ये सब आया इसके साथ, इट्स रेड चटनी, इट्स नारियल की चटनी, एंड इट्स सांभर, आई हैव सांभर विद इडली एंड देन आई हैव सांभर विद चावल, ग्रेट सक्सेस, लेट मी जस्ट ईट नाउ। फिलहाल अभी दोपहर हो चुकी है और मैं नहा धो के मस्त रेडी हो चुका हूँ, 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज के नहाते नहाते देख लो कितना गदीला हूँ मैं, वापस बेड पे बैठ चुका हूँ बिकॉज ज़्यादा नहीं चलना। एंड अभी मैं लड्डू खा रहा था यहाँ पे, चने वाले लड्डू जो होते हैं, मैंने मना किया था फिर मम्मी ने बना दिए हैं बहुत सारे तो खाने पड़ेंगे। और अभी मैंने अपने लिए ना चाय बनवा ली बिकॉज मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सर पकड़ रहा है तो चाय पीनी बहुत ज़रूरी है, चाय पीऊँगा फिर ठीक होगा, बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं। आज मैंने सर सब वॉश कर लिया, अपना हेड वेड सब वॉश करके एकदम मस्त वाइब आ रही है बालों में से, ऐसे मन कर रहे थे कुछ भी करवा लूँ, और अभी भी लैपटॉप के सामने ही हूँ, बट अब फिल्म देख रहा हूँ, काम वाम सब खत्म है, कुछ भी नहीं बचा, वीडियो का काम भी हो चुका है पूरा, सारे काम कर रहा हूँ, और अभी तो लेटे लेटे ब्लॉग भी बना रहा हूँ, काम चल रहा है रेगुलर। फिलहाल मैं लड्डू खा रहा हूँ, लड्डू खा के उसके बाद चाय पी के, जब अगर भाग गया तो कुछ दिखा दूंगा, नहीं गया तो मिलवा दूंगा मम्मी से, कुछ ना कुछ तो करवा ही दूंगा, डोंट वरी। अभी मैं पहले खा लूँ फिर आपसे मिलूंगा। पेट पे पड़े पड़े शाम हो चुकी है, रात होने वाली है थोड़ी देर में, और मैं स्टिल अभी तक बेड पे ही पड़ा हुआ हूँ, लैपटॉप भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं आराम करने लग गया हूँ, मैं सोने सो गया हूँ, आराम कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, पूरा दिन बेड पे निकल गया है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे तो, तबीयत भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी समझ ही नहीं आ रहा है। When your tablet is not okay, no, you can't feel happy. I am not feeling happy today. That's why I'm vlogging a lot. Yes, guys, for cheering my mood up. Or वहाँ पे मेरी books पढ़ी हुई है. Sorry. मैं book पढ़ने की सोच रहा हूँ कोई. अभी मेरे पास जो new book है, जो कि अभी बिल्कुल fresh नहीं पढ़ी है, Ikigai है. मैं आपको दिखाता हूँ. तू खिसकना पड़ रहा है, उठ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है मेरी हील में ना, हील में इन सेंस एडी जैसे बोलते हैं ना, एडी में दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी हुई है। अब रीजन मत पूछना क्यों लगी हुई है, बस लगी हुई है इतना जान लो। दिस इज द बुक विच इज फ्रेश अभी अभी, द इकिगाई जर्नी, अ प्रैक्टिकल गाइड टू फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड पर्पस, द जापानीज वे, हेक्टर ग्राफ एंड फ्रांसिस मिरालिस के लिखी हुई बुक है ये, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशनल बुक, मे बी ये पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा हैप्पी फील हो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ये भी नोवेल भी साथ साथ रीड करता हूँ, वेरी गुड। तो अभी मैं नोवेल रीड करूंगा Ikigai, और साथ में लैपटॉप में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लैपटॉप में बिंज वॉच वही वाली जो सीरीज जो मैंने दिखाई थी वही चल रही है, वो भी चलती रहेगी, और ये भी बीच बीच में पढ़ता रहूंगा ब्रेक में, ऐसा 15 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ लूंगा,
15 मिनट वो देख लूंगा, आधा घंटा देख लूंगा, ऐसे जिंदगी चलेगी। अभी आज आज और कल कल का रेस्ट, उसके बाद नींद भी, मेरी हील का दर्द जो है वो चला जाए। मैं आपको दिखाऊं कैसे, बस लगी हुई है ये जान लो, दर्द काफी है, घुमचोट है ना, कैसे देखोगे? आपकी आंखें एक्सरे स्कैनर है क्या? दर्द को डिटेक्ट, एक्सरे के दर्द को डिटेक्ट तो नहीं कर पाता। फिलहाल लेट मी जस्ट डू माई वर्क, एडिटिंग का थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। थोड़ी देर में रील जाने वाली है। यस गाइस, डेली इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से मैं पोस्ट कर रहा हूँ। कितने बजे जाती है? 7 o'clock मेरी रील चली जाती है। गो एंड चेक आउट देयर ऑल्सो, वहाँ पे तो हमेशा एक्टिव होता होता हूँ, मरू जी हूँ कुछ भी हो, वहाँ पे रील जाती जाती है। डजंट मैटर पुरानी है नहीं है, बट जाती है हमारी। बस फिलहाल के लिए लेट मी जस्ट ओपन माई लैपटॉप एंड आई कैच यू आफ्टर अ बिट।